नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कलेक्टर जी के जैन ने आज शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में प्राचार्य बीईओ और बीआरसी की खंड स्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में कहा कि बच्चों के साथ ध्यान से अच्छा बर्ताव करें, इसका असर बच्चों पर पड़ता है क्योंकि बचपन की घटनाएं हमेशा तरोताजा रहती हैं। विद्यार्थियों के साथ सहृदयता से कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। विद्यार्थियों को कुशल और सक्षम बनाने में शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ होता है। इंजीनियर निर्जीव वस्तुओं के साथ प्रयोग करता है, लेकिन शिक्षक सजीव के साथ प्रयोग कर उसमें निखार लाता है। और वहीं राजधानी भोपाल में बिजली विभाग के इंजीनियर की हत्या के विरोध में गुरुवार को छिंदवाड़ा बिजली विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रशासनिक भवन परिसर और छिंदवाड़ा वृत्त के सभी संभागीय कार्यालयों और वितरण केंद्रों में अधिकारी कर्मचारी एकत्रित हुए और कमलाकर बराठे की हत्या के विरोध में आक्रोश व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पेच परियोजना के माचागोरा डैम के पुनर्वास स्थल जमुनिया में बिजली, बारह बरियारी में पानी और धनौरा में रोजगार का संकट बना हुआ है। कलेक्टर जेके जैन बुधवार को जैसे ही इन गांवों में पहुंचे तो ग्रामीणों ने तत्काल उन्हें अपनी समस्या बता दी। इस पर उन्होंने जल संसाधन, बिजली और पीएचई के अधिकारियों को इंतजाम करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को देने के लिए शासन प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए गांवों में शिविर लगाकर फसलों का बीमा किया जा रहा है, लेकिन अमरवाड़ा, हर्रई और जुन्नारदेव ब्लॉक के कई गांवों में कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों ने शिविर ही नहीं लगाए हैं। लोधीखेड़ा थाना क्षेत्र के मेहदी गांव में गश्त के दौरान पुलिस ने एक आरोपी के घर के पीछे रखे करीब 60 लीटर महुए की शराब जब्त की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट का अपराध कायम किया और जांच शुरू कर दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एमएचटीवी की सारी खबरें अपनी वेबसाइट के साथ साथ एंड्रॉइड ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।